नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए लेके आया हूँ। ईपीएफओ के ईओ और एओ जो वैकेंसी है आपका, उसके लिए कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कितना जबरदस्त कंपटीशन इस बार हो गया है। और यही नहीं, अभी तो यूपीएससी का ये ईपीएफओ की बात है, हम एनटीए ईपीएफओ एसएससी की भी बात करेंगे कि आखिर इसमें कितना फॉर्म भरा जाना है, मतलब कि समग्र जानकारी आपके सामने मैं लेके आया हूँ और बहुत ही सटीक जानकारी आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि कंपटीशन का लेवल कितना ज़्यादा इस बार बढ़ गया है, इसके हिसाब से आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए, इस सेशन में हम लोग जानते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, सारे अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अभी आप यूपीएससी की वेबसाइट पे देखोगे, अभी एक आरटीआई दायर की गई है, वो उनमें एक जो इन्फॉर्मेशन आई है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो ईपीएफओ का ईओ और एओ का पोस्ट था, जो वैकेंसी नंबर यूपीएससी का 53/2023 देखा जाए, उसके आधार पे टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो कितने हुए थे, 11 लाख। अभी मैं इसे यहाँ पे, ये आरटीआई का रिप्लाई है, इसे आप उम्मीद सही से देख पा रहे होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, 11 लाख बच्चों का, तकरीबन 11 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, 11,28,221 बच्चे क्या किए थे, रजिस्टर किए थे। लेकिन फाइनल जो सबमिट, अगर फाइनल सबमिट की बात किया जाए तो फाइनल सबमिट 10 लाख से ज़्यादा है, लगभग 10.5 लाख, 10,47,342 बच्चों ने टोटल फॉर्म फाइनली अप्लाई किया है। और इसमें मोर देन 70% से ज़्यादा चांसेस है कि इसमें क्या रहेंगे, अटेंडेंस रहेंगे, मतलब कम से कम 7 लाख, 6 से 7 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देने जाएंगे, तो किस लेवल का कंपटीशन है, ये बात समझ सकते हो। अभी मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ के ईओ और एओ की जो आपके एग्जाम डेट है वो जुलाई के प्रथम वीक में है। कब है, जुलाई के प्रथम वीक में है। तो एग्जाम डेट मैं अगर आपको बोल दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अपनी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यूपीएससी ईपीएफओ की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी ईपीएफओ की बात कर रहे हैं, जो यूपीएससी करवा रहा है, यानी ईओ एओ की वैकेंसी करवा रहा है, इसकी जो एग्जाम डेट है ये फर्स्ट वीक ऑफ क्या है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है। तो आप 2 से 5 जुलाई के बीच में देखेंगे कि आपका क्या हो रहा है, कि ये पेपर आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो आपका एनटीए करा रहा है, जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एसएसए का करवा रहा है, उसमें भी मैं बता दूं कि आपका पैटर्न क्योंकि चेंज हुआ है, तो बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म आ रहा है और ये 15 लाख से ज्यादा इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी दिखते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इसका मैं आरटीआई से फाइनल इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको बता दूंगा कितने हुए हैं। तो ईपीएफओ एसएसए एनटीए ईपीएफओ एसएसए की बात किया जाए तो इसमें फॉर्म की संख्या कितनी है, टोटल फॉर्म, इसकी जानकारी अगर आप चाहते हो तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ आप इसकी जानकारी चाहते हो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पुश कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इसके लिए अपडेट लेके आऊं तो आपको तुरंत पता चल जाए, आपको कहीं सर्च ना करना पड़े। और ये मैं आपको विद इन, अभी आपका फॉर्म भरा ही जा रहा है, 26 तारीख लास्ट डेट होगी, उसके बाद मैं आपको 26 तारीख या 27 तारीख में आरटीआई डालूंगा, 8-10 दिन में क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कि आप मान सकते हो कि इसकी जो मैं एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन मैं लेके आने वाला हूँ वो 4-5 मई में लेके आ रहा हूं। तो 4-5 मई में जो वीडियो आएगी पीएफओ एसएसए को लेके, कुल कितना फॉर्म भरा गया है उसकी एग्जाम डेट मैं बता दूं तो अगस्त में इसका एग्जाम डेट अगर हो जाएगा, एग्जाम डेट तो एग्जाम डेट अगस्त महीने में अभी प्रस्तावित है। कब होता है ये, पहले भी हो सकता है, क्योंकि एनटीए को क्या होता है, हमेशा ये एनटीए करा रही है, वो यूपीएससी करा रही है, यूपीएससी अपने कैलेंडर से चलती है, एनटीए अपने कैलेंडर से चलता है। और जरूरी नहीं है कि अगर जुलाई में आपका यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर है ईओ एओ का, तो उसके बाद ही हो, ये पहले भी हो सकता है, लेकिन अभी जो सुनाई दे रहा है वो अगस्त में सुनाई दे रहा है, बट पहले भी हो सकता है, हो सकता है जुलाई में ही हो जाए, हो सकता है साथ में हो जाए, क्योंकि इसकी एजेंसी अलग है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, ईपीएफओ एसएससी के लिए बहुत विधिवत कोर्स परीक्षा पर चला रही है। 599 में केवल बैच है, प्लस जीएसटी, इसमें सारे लाइव क्लासेस, उसके रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे नोट्स, इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट, सब कुछ आपको इसमें दिया जा रहा है, ए टू जेड सॉल्यूशन, बहुत प्रॉपर तैयारी की जा रही है। सैकड़ों बच्चों ने इसमें क्या किया है, हमसे भरोसा दिखाया है, और मैं उनको साधुवाद करना चाहता हूं, आप भी एक बार जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।